आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आज आपको लौणी के बारे में बताएंगे। लौणी जो होता है वो आपने देखा होगा, उसकी लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है कुल, और उसमें हरे पत्ते होते हैं 5-6 मिलीमीटर तक, मोटे रस से भरे और स्वाद में खट्टे नमकीन होते हैं। पत्तों की चौड़ाई लगभग 8 से 15 सेंटीमीटर, और आप देखेंगे कि ये इसको जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको लूनिया कहते हैं, कहीं इसको कुल्फा कहते हैं, कहीं इसको लुनाक कहते हैं, कहीं इसको बड़ी लौणी कहते हैं, कहीं खुरसा, कहीं डुड्डा, कहीं करी की रोई, कहीं लोना शाक, कहीं बारा लोनिया, कहीं कुर्फा, तो बहुत सारे इसके नाम हैं। आप किसी भी नाम से जानिए, लेकिन हम आपको इस कुल्फे के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही कारगर है, आयुर्वेद में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी लड़ता है। केवल इतना ही नहीं, इसमें जो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गुण होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं शरीर के लिए कि अगर आप 2 से 3 पत्ते रोजाना खाएंगे तो पूरे जीवन कभी बीमार नहीं होंगे। चलिए विस्तार से इसके फायदे जान लेते हैं। लौणी जो है वो कैंसर की ओर अचूक औषधि मानी जाती है। लीवर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और फेफड़ों का कैंसर को क्योर करने में लौणी के पत्तों का रस सेवन करें, पत्ते चबाकर खाएं, पत्ते सलाद में खा सकते हैं, सब्जी और इसके बीज का भी सेवन कर सकते हैं। कैंसर विकार को तेजी से क्योर करने में लौणी पत्ते बहुत सफल माने जाते हैं। अगला है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं लौणी के पत्ते। अगर जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है वो सुबह सुबह लौणी के 3-4 पत्ते ले, उनको चबाए, और या फिर लौणी के पत्तों की सब्जी सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। लौणी के पत्ते सेवन करने से रक्त धमनियां सुचारू रहती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक की संभावना लग रही है और उसको लग रहा है कि हार्ट उसका ठीक नहीं है, तो हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप लौणी के पत्तों का रस पिएं और लौणी के बीज चबा कर खाएँ। लौणी ब्लड क्लॉटिंग समस्या को ठीक करने में अच्छा माना जाता है। लौणी सेवन करने से LDL और HDL जो लेवल है उसका बैलेंस बना रहता है। आपके जो ब्रेन स्ट्रोक है और हार्ट का खतरा भी कम रहता है। बात करेंगे वजन घटाने की। तेजी से वजन घटाने के लिए लौणी के काले बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन करना फायदेमंद है। लौणी बीज शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने एवं कैलोरी बर्न करने में सहायक हैं। शीघ्र वजन घटाने के लिए 7-8 लौणी बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन करने के बाद आप खूब वर्कआउट करें, रस्सी कूदें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका वजन घटने लगा है। ये दोस्तों एनर्जी बूस्टर के रूप में भी काम आता है। शरीर में अतिरिक्त एनर्जी फुर्ती के लिए लौणी के पत्तों की सब्जी सलाद रस को आप सेवन करें, आप देखेंगे कि आपके शरीर में एनर्जी बनी हुई है। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर बच्चों का दिमाग कम काम करता है तो उनको लौणी के पत्ते दीजिए, रोजाना 2-3 पत्ते दीजिए। अगर ऑटिज्म जैसा भी कोई रोग है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, बच्चों की भूख की कमी को दूर करेगा, नजरें तेज करेगा, पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, लेकिन 1-2 पत्ते आपको सीमित मात्रा में उनको देने हैं। अगला है, पेशाब में अगर किसी को जलन रहती है, इन्फेक्शन है, तो लौणी के पत्तों का जूस सेवन करिए, चबा चबा कर खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अगला है चर्म रोग में। चर्म रोग में त्वचा को गर्म पानी से साफ कर धो लें, साबुन का इस्तेमाल नहीं करें। त्वचा सूखने पर लौणी के पत्तों का रस फायदेमंद होता है। लौणी त्वचा के संक्रमण, बैक्टीरिया, एलर्जी में धीरे धीरे सुधार कर उसको ठीक कर देती है। मांसपेशियों को मजबूत करता है लौणी। लौणी के पत्ते सेवन मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत बनाने में सक्षम है। लौणी एक तरह से मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स का रिच स्रोत माना जाता है। अगर किसी को रक्त साफ नहीं है तो वो इसके काढ़े का सेवन करे, सलाद में खाए और कच्चे खा ले, आप देखेंगे कि सारी जो रक्त के विकार हैं वो खत्म हो गए हैं और हीमोग्लोबिन है वो भी इससे बढ़ जाएगा। अब इसकी कुछ सावधानियां भी हैं आयुर्वेद के लिहाज से, उनको भी देख लीजिए। लौणी सेवन किडनी स्टोन के मरीजों के लिए बिल्कुल मना है। जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है या किडनी की कोई फंक्शन करने में दिक्कत है तो वो इसको प्लीज ना खाएं। लौणी सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल मना है। लौणी सेवन 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल मना है। आंतरिक मेजर सर्जरी या अबॉर्शन के दौरान कतई भी लौणी का सेवन ना करें और लौणी सीमित मात्रा में करें सेवन। तो अब कितना मात्रा में इसका सेवन करना है वो भी जरा देख लीजिए। लौणी को बड़े आदमी जो है वो 3 से 4 पत्ते
अधिकतम सेवन करें, नहीं तो दो पत्ते इसके आप रोजाना चबाकर खा सकते हैं। उन्हीं का जूस थोड़ा पानी में उसको भिगोकर निकालकर आप पी सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।